हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, यानी कि कुकिंग एंड सुमन के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की रेसिपी है चिकन लबाबदार। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में रिफाइंड तेल डाला है करीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तेल जब थोड़ा गर्म हो, उसमें मैंने गर्म मसाला डाला है, जैसे कि तेज़पत्ता, 3-4 इलायची, 5-6 लौंग, 1 जावित्री, थोड़ी सी दालचीनी, और इसका फ्लेवर तेल में अच्छी तरह से आ जाए इसलिए इसे थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। यह हमारा प्याज हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी थोड़ा चला लेना है। इसके बाद मैंने इसमें करीबन 600 के करीब चिकन के पीसेस ऐड किए हैं। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग ही जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करें। और उसी के साथ डाल दिया है 1 टोमेटो, जिसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, और 2 से 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, और इस मसाले में चिकन को अच्छे से कोट कर देना है। थोड़ी देर होने के बाद प्याज अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसे ढकना नहीं है इस स्टेज पे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कसूरी मेथी और वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि वाइट पेपर पाउडर ही यूज़ करें। उसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से भूनना है। साथ ही में मैंने ऐड किया है 1 चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार लें, और इसे ढक करके पकाना है। जैसे जैसे हमारा चिकन टेंडर होता जाएगा, इसका कलर देखिए कितना निखर कर आ रहा है। इसमें अभी तक मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, ये टमाटर और प्याज के पानी में ही आधा पक चुका है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप पानी, और इसे ढक करके कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। हमारा चिकन का कलर बहुत ही अच्छा बढ़िया आ गया है, और ये देखिए, ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़े से शिमला मिर्च, 1 चम्मच मक्खन, और 2 चम्मच अमूल क्रीम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये बहुत ही कम मसाले में बनकर तैयार होती है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाला है, और इसे अच्छे से मिला लेना है। हमारा चिकन लबाबदार बिल्कुल भी बनकर रेडी है। ये जब चारों साइड से अपने तेल छोड़ने लगे तो ये बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। और ये इसका कलर कितना बढ़िया आया है फ्रेंड्स, देखिए। और यहाँ पे मैंने तेज पत्तों को निकाल लिया है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने मेरी कौन सी रेसिपीज़ को ट्राई किया, और इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये हमारा चिकन लबाबदार बनकर बिल्कुल भी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है, आप चाहते हैं मैं अपनी और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।